अरे दीक्षा बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मा, मैं आपके पास नहीं रह सकती क्या? शादी करना जरूरी थोड़ी ना है। बेटा, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो दूसरे घर जाना ही होता है। अब मुझे भी तो तुम्हारे पापा शादी करके ही लाए थे ना। लेकिन मम्मा, बेटा टेंशन मत लो, आपके पापा ने देखा है उनको, लड़का बिजनेसमैन है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। देखना, तुम्हारी शादी भी हम धूमधाम से करेंगे, तेरे चाचा जी की तरह नहीं, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में कुछ भी नहीं दिया था। चलो अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। अरे मास्टर जी, बड़ी भाग्यशाली है आपकी बेटी, जो हमारे लड़के और फैमिली दोनों को पसंद आ गई। इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियां देखी इसने, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आई आज से पहले। बड़ी ही समझदार और संस्कारों वाली है हमारी बेटी। हमारा बेटा भी किसी मामले में कम नहीं है, लाखों में एक है हमारा लाल जी। ये तो और भी अच्छी बात है। वाह भाई वाह, दोनों ही बच्चे पढ़े लिखे और संस्कारी हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए। तो फिर देर किस बात की, कुंडलियां मिलवा कर शुभ मुहूर्त निकलवाइए। जी बिल्कुल। अच्छा तो मास्टर जी, बच्ची से पूछ के बता देना, चलते हैं। और हाँ मास्टर जी, एक बात और कहनी थी आपसे। वैसे तो हमारी कोई डिमांड है नहीं, आपने हमारा स्टेटस तो देखा ही है, उसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि लोग हमसे कुछ ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं। देखिए मास्टर जी, आपने जो निशा बेटी की शादी में दहेज दिया था, उतना तो आप देंगे ही। बाकी मेहता जी, वो गाड़ी वाली बात एक बार अरुण बेटे से और पूछ लीजिए, उनको कौन सी गाड़ी पसंद है, लगे हाथ मास्टर जी को बता भी देंगे। अरे वो तो मास्टर जी देख ही लेंगे, बाकी मास्टर जी लेने से पहले एक बार पूछ जरूर लेना। जी मेहता जी जरूर, हम अपनी हैसियत से भी कुछ ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा तो ठीक है मास्टर जी, चलते हैं। नहीं नहीं भाई, सब खाना तो तैयार है, अब खा के ही जाइए। अरे नहीं नहीं जी, माफ करना, आज हम जल्दी में हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है फिर कभी। देखिए मास्टर जी, आपने जो निशा बेटी की शादी में दहेज दिया था, उतना तो आप देंगे ही। बाकी मेहता जी, वो गाड़ी वाली बात एक बार अरुण बेटे से और पूछ लीजिए, उनको कौन सी गाड़ी पसंद है। ठीक है तो मास्टर जी, चलता हूँ, इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, आप तो खाना खाकर ही जाना। हाँ हाँ शर्मा जी, खाना तो खा के ही जाइए। मास्टर जी जरूरी काम से कानपुर जाना है, बस आप दीक्षा बेटी की शादी में दहेज की कमी मत छोड़ो। उसकी कोई दिक्कत नहीं है शर्मा जी, आपको तो पता ही है, हमने अपनी बड़ी बेटी निशा की शादी कितनी धूमधाम से की थी, हमारी बेटी सुखी रहनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है दहेज देने में। देखो मास्टर जी, उन्होंने मुझे कहा दहेज की बात करने को, सोचा आपको बता दूं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब आपको तो पता ही है मास्टर जी, वो हाई सोसाइटी के लोग हैं और लड़का भी बिजनेसमैन है जी, उनकी डिमांड भी इसी तरह की है। ओके नमस्कार, चलता हूँ। अरे बेटा अब क्या हुआ तुम्हें? मम्मा प्लीज, नहीं करनी मुझे ये शादी। अरे बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कितना अच्छा परिवार मिला है तुम्हें। जैसे निशा बेटी की शादी धूमधाम से हुई है, वैसे ही तुम्हारी शादी भी हाई सोसाइटी में होगी, तुम्हारी बहन निशा की तरह। हाँ मम्मा, ऐसी जगह शादी कर दो कि मैं भी रोज रोज मरने की सोचू दीदी की तरह। दीक्षा बेटा ये क्या बोल रहे हो आप, मरने की बात और निशा के मन में, हो नहीं सकता, हाई सोसाइटी में शादी हुई है उसकी, बढ़िया घर बार है, भला वो क्यों सोचेगी ऐसा। बेटा सच सच बताओ बात क्या है। हाँ हाँ दीक्षा बोलो बेटा बोलो। पापा, जिन्हें आप हाई सोसाइटी के और अच्छे व्यक्ति मानते हो, वो एक नंबर के घटिया और लालची लोग हैं। मैं जब पिछले महीने निशा दीदी के घर गई थी तो मैंने देखा। अरे दीक्षा, दीक्षा तू? हाँ दीदी मैं, और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बस बिल्कुल ठीक। अंदर आ जा। पता है मम्मा तो मना कर रही थी कि अकेली कहाँ जाएगी, लेकिन मैं मानी ही नहीं। अरे रूपाली जी, हमारी बहू तो कैश, ज्वेलरी, फर्नीचर सब कुछ लेकर आई है। अच्छा,
तब तो आपकी मौज हो गई होगी सुनीता जी। हाँ रूपाली जी, जब से हमारे घर बहू आई है हमारी तो मौज हो गई है, आप बताइए। अरे क्या बताएं सुनीता जी, हमारे घर तो ऐसी अभागन आई है कि अपने घर से तो कुछ लाई नहीं। शादी में तो कह रहे थे उम्मीद से ज्यादा देंगे, मगर दिया ही क्या, एक छोटी सी गाड़ी, थोड़ा सा कैश और कुछ ज्वेलरी देकर अपने घर का बोझ हमारे सर पर मढ़ दिया। लो महारानी की बहन आई है। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? जी वो तो अलमारी में रखे हैं। अरे अभी तक कपड़े प्रेस नहीं किए, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, अब मैं बाहर क्या पहनकर जाऊँ? जी अभी करती हूँ। अरे देख कर नहीं चल सकती करम जली, नुकसान कर दिया, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अरे इसके तो रोज के यही काम है, मेरी किस्मत ही खराब है जो ऐसी वाइफ मिली, नुकसान करने में सबसे आगे और काम करने में। दीक्षा बेटा, काम करने के तरीके से पता लगता है कैसे संस्कार मिले हैं इसको, विक्रम के बहुत रिश्ते आए थे। जी बिल्कुल, हमारी तो मती मारी गई थी, विक्रम को ये पसंद आई। क्या आप रोजाना इसी माहौल में रहते हो? मैं क्या बताऊं दीक्षा, मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करती हूँ इन सबको खुश रखने की। लेकिन इनके ऐसे व्यवहार से कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर लूं, बस ऐसे लोगों से छुटकारा मिल जाए। नहीं दीदी, नहीं दीदी, ऐसी बातें मत बोलो। दीक्षा तुम्हें मेरी कसम, तुम मम्मी पापा को ये बात नहीं बताओगी, नहीं तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। कितने अरमानों से उन्होंने मेरी शादी की थी। हाँ तो पापा जी, क्या ही नहीं कहते हाई सोसाइटी के एजुकेटेड लोग जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं होती। जी बाहर में जाए ऐसी सोसाइटी। बस दीक्षा बस करो, अपने हिसाब से हमने रिश्ता अच्छा ही देखा था, और क्या नहीं किया हमने निशा की शादी में, लेकिन तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे चाचा की तरह ऐसे समाज में तुम्हारी शादी कर दूं जो किसी रीति रिवाज को नहीं मानते? माफ करना पापा जी, लेकिन कौन से रीति रिवाजों को मानने की बात कर रहे हैं आप? इन रीति रिवाजों को मानने वाले लोगों ने तो दीदी जैसी लाखों लड़कियों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। और रही बात मीनाक्षी दीदी की, तो मैं आपको उनकी सच्चाई बताती हूँ कि चाचा जी ने किस सोसाइटी में शादी की है अपनी बेटी की। अरे दीक्षा बेटा। जी नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, आओ 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 बेटा आओ। अरे मीनाक्षी देखो तो जरा कौन आया है, बेटा बैठो। जी मम्मी जी। अरे दीक्षा तुम? हाँ दीदी मैं, और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपनी सुना? एकदम फर्स्ट क्लास। और घर पर सब कैसे हैं, ताऊ जी ताई जी? सब एकदम ठीक है। आ जाओ बैठो। तूने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया बगैर बताए आकर। अरे मम्मी जी आप बैठिए, आप बैठो आ जाओ।
और सुना बेटा, घर पर सब कैसे हैं? जी सब बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बस बेटा परमात्मा ने मौज कर रखी है। मीनाक्षी देखना बेटा गेट पर कौन है। जी मम्मी जी देखती हूँ। अरे दीक्षा बेटी आई है क्या? नमस्ते मौसा जी। नमस्ते जीजू। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो आप। और कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। और दीक्षा क्या कुछ चल रहा है आजकल? कुछ नहीं जीजू, आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई नहीं बेटा, हो जाता है, इसे मैं साफ कर देती हूँ, आप और ले आओ। और दीक्षा बेटा पापा ठीक है? जी मौसा जी। मीनाक्षी बेटा दीक्षा बेटा को अपने कमरे में ले जाओ, दूर से आई है, थक गई होगी, आराम कर लेगी। जी पापा जी। चलो दीक्षा। आओ बैठो। और सुना दीक्षा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक दीदी। अच्छा दीदी एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। दीदी आप खुश तो हो ना? चाचा जी ने बिना किसी लेन देन वे धूमधाम के बिल्कुल साधारण तरीके से आपकी शादी की थी, ये लोग आपको परेशान तो नहीं करते ना? बिल्कुल नहीं दीक्षा, बल्कि इस घर में आकर तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहू को भी बेटी जैसा प्यार मिलता है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसा समाज ऐसा परिवार नहीं मिलता। और हाँ ऐसा नहीं कि पापा ने कुछ देना नहीं चाहा, वो तो पहले से ही मेरी शादी में बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन इनकी फैमिली ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ओ अच्छा। पहले तो हमें लगा कि ये लोग वैसे ही मना कर रहे हैं, दहेज तो देना ही है, लेकिन फिर हमें पता चला कि संत रामपाल जी के शिष्य हैं और दहेज लेना उन्होंने मना कर रखा है। फिर उन्होंने हमें एक बुक दी जीने की राह और कहा कि हम अपने संत रामपाल जी के नियमों को नहीं तोड़ सकते, फिर पापा जी ने भी हाँ करनी पड़ी। अच्छा दीदी एक बात बताओ, क्या आपने भी संत जी से नाम दीक्षा ले ली? हाँ दीक्षा, अब मैंने भी संत रामपाल जी से नाम ले लिया है। दीक्षा शादी के बाद तेरे जीजू ने मुझे बताया कि संत रामपाल जी क्या ज्ञान बताते हैं, इसके बाद उन्होंने मुझे एक बुक दी जीने की राह और कहा इसे पढ़िए, और उन्होंने कहा उनके सत्संग सुनिए और उनके बारे में जितना सर्च करना चाहो करो, और जब आपको लगे कि वह सही है तब आप भी नाम ले लेना। अच्छा दीक्षा यकीन मानना, जब मैंने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना तो मुझे जो भी लगे गुरु मंडलेश्वर शंकराचार्य उनसे मैंने संत रामपाल जी के ज्ञान को कंपेयर किया, तब मुझे पता लगा कि हाँ वाकई में संत रामपाल जी राइट वे ऑफ वर्शिप बताते हैं, जिसे वो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके दिखाते हैं। लेकिन दीदी आपको तो शुरू से ही ये बाबा वगैरह पसंद नहीं थे, तो फिर? हाँ दीक्षा सही कह रही हो, हर रोज बाबाओं को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, इसलिए कुछ दिन तो मैंने भी संत रामपाल जी को एक आम बाबा ही माना था, लेकिन जब मैंने उनकी असलियत और ज्ञान को सुना तब मुझे पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों में महाकष्ट है। दीक्षा संत रामपाल जी पर संदेह करना मूर्खता की पहचान है। ओके। हाँ फिर जब मुझे हर तरफ से संतुष्टि हो गई तब मैंने तेरे जीजू से कहा कि आप मुझे भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दिला दीजिए, तब उन्होंने आश्रम ले जाकर मुझे नाम दीक्षा दिलाई। और हाँ एक और कमाल की बात मैंने ये देखी कि हजारों की भीड़ में मुझे एक भी नशा करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। नहीं तो दीक्षा तुम ही बताओ, इतनी भीड़ में कम से कम बीड़ी सिगरेट पीने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। जी बिल्कुल। हाँ और फिर इसके बारे में मैंने तेरे जीजू से पूछा, तभी उन्होंने मुझे बताया कि यही तो खासियत है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में कि वे नशा करना तो दूर, चोरी ठगी रिश्वतखोरी जैसी बुराइयां करना तो दूर, किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं देते। दीदी मैंने तो यहाँ तक सुना है कि संत रामपाल जी के अनुयायी नशे को हाथ तक नहीं लगाते। हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने दीक्षा, तुझे पता है इस घर में मुझे बेटी से भी ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिसकी उम्मीद मुझे शादी से पहले 1% भी नहीं थी, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी के ज्ञान आधार से ही है।
ये तो बहुत अच्छा हुआ दीदी। अब आप लोग ही बताओ कौन सुखी है। बेटी, आज आपने ये सच्चाई बताकर हमारी आंखें खोल दी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी के ज्ञान आधार से इतना स्वच्छ समाज बन रहा है। हाँ दीक्षा बेटा, हमने तो मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमेशा गलत ही सुना था, लेकिन वो तो सच्चे संत हैं। काश हमें पहले पता चल जाता तो हमारी निशा बेटी की जिंदगी नरक होने से बच जाती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी शादी तुम्हारे चाचा जी की तरह बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए ज्ञान के आधार पर ही करेंगे। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी, बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता, विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया। और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटेड है। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। दोस्तों, आपने देखा कि जब दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेशी परिवार में जाती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि देश में ऐसे भी परिवार हैं जो दहेज लेना पाप समझते हैं। कठोर से कठोर कानून बनाने के बाद भी सरकार की नीतियां दहेज लोभियों के सामने बोनी प्रतीत हो रही हैं। लाखों परिवारों को इस दहेज रूपी राक्षस ने बर्बाद कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से दहेज जैसी बुराई ही नहीं बल्कि अन्य बुराइयों का भी अंत होता जा रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के भक्ति नियमों पर चलते हुए इनके शिष्यों ने एक मिसाल कायम की है कि न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। संत रामपाल जी के इस नियम पर चलते हुए एक खुशहाल और सभ्य समाज तैयार हो रहा है। लाखों शादियां बिना दहेज बिना बाहरी आडंबर के हो रही हैं, जिससे समाज में सुख और शांति स्थापित हो रही है।